तो परमात्मा के महावाक्य है कि दुआएं दो, लेकिन दुआएं हमारे दिल में देने के लिए हमारे पास पहले वो दुआएं इकट्ठी है, दुआओं का स्टॉक है हमारे पास, जो हम कैसा भी हो, मानो कोई हमारे को इंसल्ट करने वाला है, कोई गाली देने वाला है, कोई नफरत की दृष्टि से देखने वाला है, ऐसी आत्मा के प्रति भी हमारे दिल में दुआएं निकले, शुभ भावना निकले, शुभ कामना निकले, इसके लिए हमको परमात्मा से निस्वार्थ प्यार की शक्ति जो प्राप्त होती है उसी आधार पर हम कर सकते। प्यार टूटे को जोड़ने का साधन है। दिल एक ऐसा नाजुक शीशा है जो सेकंड में टूट जाता है, लेकिन टूटी दिल को भी जोड़ने वाला ये निस्वार्थ प्यार। हमको पिताश्री ने एक बहुत अच्छी विधि सुनाई, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि वो हमारी गिला नहीं करे, हमारे को दुख देवे, और दुख देने वाले को भी हम शुभ भावना रखें, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम देखें, परमात्मा ने हमारी कोई भी बुरी बात देखी, जब हम परमात्मा के बनते हैं तो परमात्मा पाप आत्माओं को भी पुण्य आत्मा बनाने वाला है। कैसी भी आत्मा है, परमात्मा सदा यही दृष्टि रखता है, वृत्ति रखता, ये मेरा मीठा बच्चा है, ये मेरा सीखी लदा बच्चा है। तो जैसे परमात्मा पिता हम सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते, शुभ कामनाएं रखते हैं, तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो फॉलो फादर हमको करना ही है ना। तो जब हम परमात्मा पिता को याद करते हैं तो हमारे में शुभ भावना आ सकती है। अगर परमात्मा पिता से हमारा कनेक्शन ही नहीं है तो हम कितना भी कोशिश करेंगे, हमारे में दिल में सर्व के प्रति निस्वार्थ प्यार पैदा नहीं हो सकता। एक बात हम आपको सुनाने चाहते हैं, कई कहते हैं कि हम तो अपने रीति से दिल में खुश रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे लोग बड़े दिल का दुख देते हैं। लेकिन हमारा स्लोगन है कि न दुख दो न दुख लो, क्योंकि कोई भी हमको दुख देता है मानो तो लेने वाला कौन? देने वाला और लेने वाला एक नहीं होता है, देने वाला अलग होता है, लेने वाला अलग होता है। अगर हमारे को शुभ भावना होगी उस आत्मा के प्रति, उसने दुख दिया लेकिन हमने लिया क्यों? लेने वाले तो हम है ना। अगर आप हमारे को कोई खराब चीज आके दो, बहन जी ये लो,
तो मेरे ऊपर है, मैं वो चीज़ लूँ या नहीं लूँ वो मैं मालिक हूँ। देने वाले ने तो दिया, लेने वाले ले क्यों? आप सोचो, जो लेता है, देने वाला जो है वो तो और ही दे करके बड़े मौज में रहता है, वो खाली हो गया ना, तो वो तो बड़े मौज में सोता है, खाता है, घूमता है, फिरता है। लेकिन जो लेने वाला है वो और ज्यादा परेशान होता है। लेना अर्थात दिल में फील करना, जो उसने दुख दिया उसको दिल में फील करना, ये है लेना। और लेने वाला सोचता रहता है, ये क्यों दिया, ये क्या है, ये कौन है, कब तक ये होगा, इस वेस्ट थॉट्स के परेशानी में, टेंशन में रहता है। तो शिव बाबा कहते हैं कि दुख दो तो नहीं, लेकिन अगर दिल खुश रखनी है, दिल में सदा आराम हो, संतुष्टता हो, तो दुख दो तो नहीं लेकिन दुख लो भी नहीं।